तो गाइस आज का वीडियो का टॉपिक जो है हमारा लैंडस्केप वर्क में इंटरलॉक लगाने से पहले हम लोग कर्व स्टोन जो लगाते हैं उसके लिए देखो कॉम्पैक्शन करके लेवलिंग करके रेडी है। और ये आदमी लोग दोनों साइड स्टॉपर मार रहा है पीसीसी करने के लिए। हमारा कॉम्पैक्शन लेवलिंग हो गया है, उसके बाद में ये 45 सेंटीमीटर का हमारा आदमी लोग शोल्डर स्टॉपर मार रहा है। इसके अंदर हम लोग पीसीसी करेंगे, उसके पीसीसी के बाद हम लोग इसमें इसके ऊपर इंटरलॉक के लिए कर्व स्टोन जो होता है उसको कर्व स्टोन लगाने के बाद इसको बैक फिलिंग करेंगे, उसके बाद इंटरलॉक कवर करेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं रोडवेज का कॉम्पैक्शन टेस्ट। ये देखो हमारा लंबा एरिया पूरा एरिया रेडी है कॉम्पैक्शन करके कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए। और कॉम्पैक्शन टेस्ट अभी हम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, दिखाऊँगा कैसे होता है पूरा वीडियो फुल। ये मेनली हमारा ये जो मेन बिल्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा मेन बिल्डिंग है, वहाँ से ये कुछ डिस्टेंस है, उसके बाद अंदर हमारा इंटरलॉक लगाने हैं। ठीक है, इंटरलॉक लगाने से पहले हम लोग जो कर्व स्टोन लगाते हैं उसके लिए हम लोग ये पीसीसी रेडी किए हैं। ये पीसीसी के लिए सबसे पहले बैक फिलिंग उस लेवल को तक लेवल किए, वाटरिंग और कॉम्पैक्शन करके रेडी कर रखे हैं। ठीक है, अभी कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए हम लोग लेबोरेटरी को रिक्वेस्ट किए थे और टेस्ट पर्सन या साइट पे अवेलेबल है, मैं दिखाता हूँ आपको। और अभी हम लोग इसका कॉम्पैक्शन टेस्ट करेंगे। ठीक है, और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कॉम्पैक्शन टेस्ट का प्रैक्टिकली। ये है हमारा 10 टन का रोलर जिसके थ्रू हम लोग इसका पूरा कॉम्पैक्शन किए हैं। ठीक है, तो ये पूरा फुल वीडियो हमारे साइट का। अभी मैं देखो पूरा हमारा एरिया बैक फिलिंग और ये लेवलिंग करके इंटरलॉक वर्क के लिए रेडी है। अभी हम लोग आज इसको पीसीसी करेंगे, ये कर्व स्टोन के लिए। कर्व स्टोन का पीसीसी करने के बाद जब भी कर्व स्टोन लगाएंगे मैं उस पर अलग वीडियो कर्व स्टोन और इंटरलॉक के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा पर्सन आ गया है लैब से, कैसे टेस्ट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं इसका। ये जनरली ऑपरेटर है और ये इक्विपमेंट है कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए। और ये हमारा भाई आए हैं नेशनल लेबोरेटरी से कॉम्पैक्शन टेस्ट के लिए। ठीक है, ये नेशनल लेबोरेटरी से आया है कॉम्पैक्शन टेस्ट रोडवेज के लिए। जनरली कॉम्पैक्शन टेस्ट सैंड के लिए और रोडवेज के लिए दोनों के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोग रोडवेज का कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इनका इक्विपमेंट क्या है। फर्स्ट बेस है जिसके हम लोग 8 इंच डायमीटर होता है, उसका बेस से ये हैमर के थ्रू रोडवेज को निकाल रहे हैं। ठीक है, जब एक बार ये रोडवेज कुछ डेप्थ तक निकल जाएगा तो जैसा कि मैं बताया अभी, देखो ये हैमर के थ्रू निकाल रहे हैं पूरा। ये इसका डायमीटर है 6 इंच और 15 सेंटीमीटर डीप करेंगे इसके लिए हम लोग। और फिर अभी देखो, अभी हमारा डीप कंप्लीट नहीं हुआ, तो चूँकि रोडवेज है और प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड है तो ज़्यादा हैवी है, निकालने में मुश्किल हो रहा है। ये 15 सेंटी डीप होगा, उसके बाद इस एपरेटस को हम लोग रखेंगे उसके ऊपर, फिर उसमें सिलिका सैंड फिल करेंगे। और देखो जो उसके अंदर 15 सेंटी डीप का जो भी रोडवेज निकल रहा है, रोडवेज और सैंड निकल रहा है, उसको ये बैग में डाल रहे हैं प्लास्टिक बैग में। उसको लैब में ले जाएंगे और फिर कैसे टेस्ट करते हैं उस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैं बताया कि अभी 15 सेंटी डीप करेंगे। तो भाई एक बार चेक करिए अभी कितना डीप हुआ हमारा, अभी वो दिखाएंगे आपको मीटर से। और फिर 15 सेंटी रीच होने के बाद हम लोग एपरेटस से यूज़ करेंगे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अभी हमारा ये 15 सेंटी डीप हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अभी प्रॉपर क्लीन करेंगे अंदर का रोडवेज और सैंड को, उसके बाद से इस एपरेटस को उसके ऊपर रख के हम लोग सिलिका सैंड को फिल करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये क्लीन हो गया। और अभी देखिए ये हमारा कोन है, कोन एपरेटस है रोडवेज टेस्ट के लिए। इसके अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं कुछ
सेट हो गया है और इस हैंडल के थ्रू वो लॉक कर दिए। और ये हमारे पास सिलिका सैंड होता है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, सैंड और कॉम्पैक्शन के कॉम्पैक्शन रोडवेज और सैंड के लिए टेस्टिंग के लिए। तो अभी सिलिका सैंड ये फिल कर रहे हैं, ठीक है। और ये सिलिका सैंड इसमें मैं आपको अभी दिखाऊंगा, देखिए 8 kg होता है जनरली ये सिलिका सैंड, इसमें फिल कर दिए, ये देख सकते हैं आप सिलिका सैंड। फिर अभी इस हैंडल के थ्रू इसको ओपन करेंगे और ये तब तक उसको ओपन रखेंगे जब तक वो पूरा 15 cm जो हम लोग डीप बनाए वो फिल नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि ये इनसाइड में कैसे जैसे फिल हो रहा है, डाउन साइड ये सैंड फिल हो रहा है, वो हमारा जो 15 cm डाउन होल बना है, ठीक है। अभी फिल होने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा गिरना सैंड, ठीक है। उसके बाद सैंड का वेट और हमारा जो रोडवेज निकाले उसका वेट ये लेबोरेटरी में ले जाएंगे और फिर आफ्टर वन डे ये हमको रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, जो सैंड फील होगा और जो सैंड उसमें रिमेन होगा, आप देख सकते हैं तो अभी फील हो गया है कम्प्लीटली और ये सैंड हमारा उसके अंदर बैलेंस है। अभी सैंडल के थ्रू ये क्लोज कर देंगे और जो सैंड बचा है वो उसमें रख लेंगे, ठीक है। और वेट कंपेरिजन करके उसका डिटेल प्रोसेस के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे लेबोरेटरी में यूज होता है, कैसे टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो मेनली हमारा जो वर्क था यहाँ पे टेस्टिंग का, सॉइल कॉम्पैक्शन टेस्ट का, वो कम्प्लीट हो गया अभी, ठीक है। अनदर पॉइंट के लिए ये जाएंगे, एक पॉइंट हमारा है, टोटल हम 4 पॉइंट आज लेने वाले हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे वो जो सैंड एक्स्ट्रा उसमें निकला वो कुछ सैंड जो इस अपरेटस फोन में बैलेंस था वो सैंड, और इसका सैंड जो एक्स्ट्रा निकला पूरा ले जाएंगे। और वेट कंपेरिजन के थ्रू जो प्रोसेस होता है हमारा ड्राई डेंसिटी फाइंड करने का फील का, ये टेस्ट करेंगे और एफ वन डे हमको रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको बताया, सबसे पहले इसके लिए सेलेक्ट किए लोकेशन, उसके बाद इसमें हम लोग 15 cm डीप किए, डाउन किए, फिर ये बेस रखे, उसके थ्रू हम लोग वहाँ पे उसका जो 15 cm डीप का जो भी सैंड रोड से निकला उसको एक बैग में, और जो सिलिका सैंड एपरेटस में बैलेंस था वो अलग, और एक जो इस होल्स के निकाले वो सिलिका सैंड अलग, ये तीनों बैग में पार्सल कर लिए और अभी ये यहाँ कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। ये ले जाएंगे दूसरे पॉइंट के लिए, ठीक है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया, हमारा ये पूरा एरिया रेडी है अभी PCC के लिए, कर्व इंटरलॉकिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग बस PCC करेंगे उस एरिया का, देखो ऑलरेडी हम लोग मार्किंग कर रखा है, ये एरिया में हमारा PCC होगा कर्व स्टोन के लिए। फर्स्ट इंटरलॉक का प्रोसेस के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि इंटरलॉक के पहले का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग हमारा बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस पे इंटरलॉक आता है वो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद से उसको लेबलिंग, कॉम्पैक्शन, फिर कॉम्पैक्शन टेस्ट। अभी ये एरिया हमारा फिर से कर्व स्टोन के लिए PCC करना है, PCC के बाद कर्व स्टोन और इंटरलॉक के लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोग PCC करने जा रहे हैं कर्व स्टोन के लिए, ठीक है, कॉम्पैक्शन टेस्ट के बाद। और ये वुड्स जो है रखे हम लोग साइड स्टॉपर के लिए, ताकि हमारा कंक्रीट ज़्यादा नहीं जाए, बस हमारा जो है 20 सेंटी विड्थ का कर्व स्टोन है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा 30 सेंटी स्टॉपर के लिए ये वुड यूज कर रहे हैं 30 सेंटी, ताकि थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो अभी जनरली आज का वीडियो मैं इतना ही स्टॉप कर रहा हूँ, आगे का वीडियो के लिए मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। थोड़ा सा मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँ, तो ये मेनली रासल खेमा लोकेटेड है और हमारा प्रोजेक्ट का एलिवेशन वर्क भी कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे के लिए मैं आप अपना प्रोजेक्ट का डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फिलहाल अभी कॉम्पैक्शन टेस्ट का और कर्व स्टोन PCC के लिए वीडियो में बनाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदर लैंडस्केप वर्क के लिए, ठीक है, कर्व स्टोन और इंटरलॉक कैसे करते हैं, फिर पार्किंग के लिए हम लोग फाउंडेशन कैसे बनाते हैं, हर वीडियो में आपको अपलोड करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो देखो। मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता रहूँगा।